आप लोग, मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जिसका नाम है डांडी यात्रा या डांडी मार्च। इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, नमक सत्याग्रह। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरशेड मोमेंट रहे हैं, यानी ऐतिहासिक पल रहे हैं, उसमें इस डांडी यात्रा का भी नाम है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह जो डांडी मार्च है वह कब हुआ था, कब शुरू किया गया था। तो पहली चीज़ यानी इसका टाइम हम जान लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछा जाता है। तो यह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। अब ये मार्च आप कैसे याद करेंगे, डांडी मार्च और 12 मार्च। तो ये मार्च दूसरा है, यात्रा के लिए है, लेकिन याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये कि कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है, कुछ कारण होते हैं। अचानक कोई आंदोलन शुरू नहीं होता। तो इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या थी, आप पहले देख चुके हैं कि 1927 में साइमन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, उसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, फिर जिन्ना के 14 सूत्र आए। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट से भी है। और जैसा कि आपको याद होगा, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी 28 अगस्त 1928 को। अब इस नेहरू रिपोर्ट में मुख्य मांग क्या थी कि भारत को अधिराज्य घोषित किया जाए, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, अधिराज्य के रूप में स्वीकार करने की बात की गई थी। और इसके लिए जो कांग्रेस की अपनी बैठकें हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बैठक हुई 1928 में, कहाँ, कलकत्ता में। उसमें दो बातें रखी गई। पहली बात तो ये कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए, नेहरू रिपोर्ट स्वीकार किया जाए। और इसके लिए एक टाइमलाइन दिया गया, 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए। और दूसरी बात ये कही गई कि यदि ऐसा नहीं होता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये दो विशेष मांग की गई 1928 के कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत। अब 1929 31 दिसंबर के पहले एक और चेंज आया ब्रिटेन में, और मई 1929 में वहाँ पे लेबर पार्टी जीतती है। कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के बारे में एक आम धारणा ये थी कि लेबर पार्टी भारतीयों के संदर्भ में थोड़ी सी उदार है। तो ये सरकार चेंज हुई तो ये एक उम्मीद थी भारतीयों को, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाएगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री बने आप जानते हैं, रैमसे मैकडोनल्ड, लेकिन वे रिजेक्ट कर देते हैं नेहरू रिपोर्ट की मांग को। और तब एक ही रास्ता बचता है, वह रास्ता क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट। और इसके लिए फिर जो बैठक हुई दिसंबर 1929 में, कहाँ, लाहौर में। लाहौर में जो सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके प्रस्ताव को जो गांधी जी रखवान करना चाहते थे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद फरवरी 1930 में साबरमती में, जहां उनका आश्रम था और जहां से डांडी मार्च शुरू होगा, फरवरी 1930 में एक फिर बैठक होती है, कांग्रेस की स्पेशल बैठक होती है। और उसमें गांधी जी को
पूरा का पूरा अधिकार दिया जाता है कि वे क्या शुरू करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। और जो उसकी टाइमिंग होगी और जो स्थान होगा वह भी गांधी ही तय करेंगे कि कब शुरू किया जाएगा और कहां से शुरू किया जाएगा। यानी साबरमती में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक प्रकार से पूरा का पूरा अधिकार गांधी जी को दे दिया गया कि आप सविनय अवज्ञा शुरू कीजिए, कहां से करना है, कब करना है, यह आपका डिसीजन होगा, कांग्रेस उनके साथ रहेगी। अब इस आंदोलन को शुरू करने से पहले जाहिर सी बात है कि आपको कारण बताना पड़ेगा आप क्यों शुरू कर रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट वाली बात अब ख़त्म हो गई थी। अब गांधी जी ने उस समय जो हमारे वायसराय थे, कौन, लॉर्ड इरविन के समक्ष उन्होंने क्या रखा, 11 सूत्री मांग रखी और उसको एक्सेप्ट करने के लिए, जैसा कि गांधी का अपना तरीका था, वे समय देते थे कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन फिर वही हुआ, इरविन ने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने पुनः एक रिमाइंडर दिया लेकिन इरविन ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब हम देखेंगे कि वे 11 मांगों में से मुख्य मांगें क्या थी और फिर उसको लेकर के गांधी ने कब अपना दांडी मार्च शुरू किया। सबसे प्रमुख मांग थी कि नमक पे जो टैक्स लग रहा है, नमक कर की समाप्ति, जो साल टैक्स है, गांधी ने कहा कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि नमक पे भारतीयों का अधिकार। उस समय क्या था, नमक सरकार बनाती थी, सरकार लाइसेंस दे सकती थी लेकिन कोई निजी तौर पे अपना नमक नहीं बना सकता था। और यह नमक जो कि जिसके बिना कोई खाना खा नहीं सकता था, इस पे वे भारी भरकम टैक्स लगाते थे। गांधी ने कहा कि नमक पे टैक्स ख़त्म होना चाहिए। और इतना ज़्यादा फोकस था यह आंदोलन नमक पे कि इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, नमक सत्याग्रह। तो दांडी मार्च को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो नमक कर, साल्ट कर, साल्ट टैक्स को उन्होंने क्या कहा कि ये जो टैक्स है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करो। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, मालगुजारी को इन्होंने कहा कि हाफ करो। मालगुजारी क्या होती है, जो खेती की भूमि होती है उस पे वो जो जमींदारी सिस्टम था अंग्रेज, उस पे भी टैक्स लेते थे। तो मालगुजारी को उन्होंने कहा कि ये किसानों पर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है, तो जो मालगुजारी थी उसको क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तीसरी चीज़ ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो सेना पर होने वाला व्यय, इसको भी क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो वेतन है किसका, सैनिकों का, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, उसको शुरू में आधा कर दिया जाए और फिर इसको और घटाया जाए। तो सैलरी आधी कर दी जाए, सेना का खर्च वैस आधा कर दिया जाए, मालगुजारी आधी कर दिया जाए, लेकिन टैक्स जो नमक पर लगता था उसको पूरी तरीके से 100% एबॉलिश कर दिया जाए। पांचवी जो इनकी मांग थी वह यह कि जिस तरीके से किसान परेशान थे ना, उसी तरीके से व्यापारी परेशान थे। आप जानते हैं कि कभी हम कॉटन इंडस्ट्री में, कपड़ा इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में छाए हुए थे। अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसी निकाली कि हमारा जो कपड़ा उद्योग था बर्बाद हो गया और हमारा बाजार क्या हुआ, विदेशी कपड़ों से भर गया। तो गांधी ने एक मांग की कि जो विदेशी कपड़े हैं, विदेशी कपड़ा जो आ रहा है उन पे क्या किया जाए, तटकर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए ताकि हमारे व्यापारियों को प्रोटेक्शन मिले। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो खुफिया विभाग है,
खुफिया विभाग, खुफिया विभाग पुलिस जो थी उसको क्या कर दिया जाए, इसको इन्होंने कहा कि भंग कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन लोगों की आत्मरक्षा के लिए, भाई पुलिस नहीं तो आत्मरक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग, जिन लोगों को जरूरत है और जिनके जीवन पे क्या है एक खतरा है, उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। ये सात मांगे थी। इसके साथ उन्होंने कहा कि पूर्ण नशाबंदी, शराबबंदी, गुजरात में आज भी शराबबंदी है, यद्यपि अनेक स्टेट में या कहिए कि ज्यादातर स्टेट में नशाबंदी नहीं है, लेकिन गांधी ने 1930 में इस चीज की मांग की थी। तो ये तो उनकी मांग हो गई। अब इन मांग को लेकर के महात्मा गांधी ने साबरमती से, कहां से, साबरमती से अपनी यात्रा शुरू की। कब? 12 मार्च 1930 को। और कितने लोगों को? एक तो गांधी और उसके उनके साथ 78 और लोग, यानी 79 लोग दांडी मार्च शुरू करते हैं। तो यहां आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि साबरमती में केवल 79 लोग इकट्ठा हुए, नहीं, हकीकत यह थी कि भारत के लगभग सभी प्रांतों से, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे वह बंगाल हो, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह यूपी हो, सभी स्टेट से कुछ न कुछ लोग आए थे। इधर की सबसे ज्यादा 31 लोग कहाँ के थे? गुजरात के थे। उसके बाद महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग थे, यूपी से लोग थे, लेकिन राजस्थान से भी, जिसे उस समय राजपूताना कहा जाता था, राजपूताना से भी लोग गए। तो हर स्टेट से, नेपाल से भी महावीर करके एक स्वयंसेवी आए हुए थे, सत्याग्रही आए हुए थे जो इसमें शामिल हुए। तो उनमें से 79 लोगों को गांधी ने चुना और इन लोगों ने लगभग 240 मील, यानी 385-86 किलोमीटर हुआ इसकी यात्रा की। और कितने दिन लगे? 24 दिन में यात्रा पूरी हुई। और अंत में 6 अप्रैल को क्या हुआ, ये दांडी जहाँ पे नमक कानून को तोड़ना था 1930 में, ये दांडी पहुँचते हैं और एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ देते हैं। ये एक सिंबॉलिक था, सिंबॉलिक घटना थी नमक कानून को तोड़ना, लेकिन इसका जो असर था वो बहुत बड़ा था। अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की इसको फेल करने की। यहाँ जैसा कि मैं कह रहा था, ढेर सारे लोग थे, 75,000 के आसपास लोग थे, और अलग अलग स्टेट में भी इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें जो वेस्टर्न मीडिया थी, और स्पेशली वेब मिलर करके एक अमेरिका से आए थे, उन्होंने इसको कवर किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे 1930 का जो टाइम मैगजीन है, जिसमें छपना किसी के लिए आज भी बहुत सम्मान और गौरव की बात होती है, 1930 में गांधी का चित्र छपता है और एक स्टोरी छपती है जिसका नाम है पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक। एक फिल्म है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो ये एक चुटकी नमक की कीमत ब्रिटेन को तब पता चली जब पूरी दुनिया में इसको लेकर के चर्चा हुई। एक ब्रेसिल फोर्ड करके, ब्रेसिल फोर्ड करके अंग्रेज हैं जो लिखते हैं कि जो आयात था विदेशी कपड़ों का, वह घट करके 1/3 या 1/4 रह गया, और 16 जो मिल थी कपड़े की वे पूरी तरीके से बंद हो गई। इसका मतलब ये कि नमक सत्याग्रह पूरी तरीके से सफल रहा। ये था नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए,
और मेरी शुभकामना है कि आप अपने आने वाले एग्जाम में सफल होइए। थैंक यू वेरी मच।